जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी एक क्विज ऐप बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये हमारा जो है वो लेआउट फाइल है। होप्सो आपको अब तक जो है वो काफ़ी इसके बारे में पता चल गया होगा। तो इस लेआउट फाइल में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है वो चाहिए, क्या चाहिए, एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट व्यू भी लगा सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। चलें टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं। टेक्स्ट व्यू जो है हमने यहाँ पे लगा देना, ठीक है, सबसे ऊपर। और इसमें क्या होगा, इसकी विड्थ क्या होगी, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसकी विड्थ कर देते हैं हम, कितने करते हैं हम, 400, ठीक है। और हाइट इसकी जो है हम कर देते हैं रैप कंटेंट ही कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है। और अच्छा, रैप कंटेंट होता क्या है ये भी आपको बताना चाहिए। रैप कंटेंट होता है कि जितना आपका कंटेंट है ना टेक्स्ट व्यू के अंदर जो आना है, उसका साइज जितना होगा उसके मुताबिक जो है वो आपके टेक्स्ट व्यू का साइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर हम विड्थ भी रैप कंटेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम अगर कर दें विड्थ भी रैप कंटेंट ही करते हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि रैप कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ना, अब मैं एक क्वेश्चन कोई लिख देता हूँ, जैसे हम ना क्रिकेट के क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। शाहिद अफरीदी इज क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, ये हमारा जी कंटेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो टेक्स्ट साइज है वो आप थोड़ा इंक्रीज कर दें। वो कितना कर दें हम, 24 SP कर देते हैं, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा कर दें। चलो इससे भी ज़्यादा कर देते हैं, 36 कर देते हैं, ठीक हो गया 36, तो 30 ठीक है। अच्छा, और टेक्स्ट कलर जो है वो क्या करना है, वो हमने करना है यहाँ पे क्लिक करते हैं, और वो कलर हम रखेंगे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया। ये देखें, अब जाहिर ही बात है ये इसका टेक्स्ट साइज बढ़ रहा है, ऐसे ही है। क्यों क्यों बढ़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अभी तक सेट नहीं किए, ऐसे ही है ना, वो सेट अभी तक आपने नहीं किए हैं, तो इसलिए ये बढ़ रहा है। अगर आप ये एक बार सेट कर देंगे ना, तो फिर ये किस तरह से, आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना कंटेंट, ये क्या करेगा, ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे ना अभी जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इतना रह गया, ये देखें टैक्स व्यू, जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतना होगा। अब इसके ना ज़रा कंस्ट्रेंट सेट करते हैं और फिर इसको बढ़ा के देखते हैं। तो ये किया क्लिक, और यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो क्या लिखना है जी, शाहिद अफरीदी इज क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, ये देखें। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर ही है, जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ये होगा। अब इसको जरा और ज्यादा बड़ा करके देखें तो क्या बनता है, देखते हैं जरा। शाहिद अफरीदी, देखें नेक्स्ट लाइन पे चला गया, अब आगे नहीं जाएगा, अब ये नेक्स्ट लाइन पे जाता जाए, क्योंकि हमने इसके लेफ्ट और राइट कंस्ट्रेंट जो है वो सेट कर दी है कि बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन था वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वाला टेक्स्ट व्यू, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमने दो बटन दे देने हैं ट्रू और फॉल्स के लिए, ठीक है। ये आ गया जी एक बटन हमारा यहाँ पे, ठीक है। और इसके कंस्ट्रेंट्स हम सेट करेंगे पहले, राइट राइट पे सेट कर दिया, लेफ्ट पे सेट कर दिया, और फिर टॉप वाला जो है वो इसके साथ सेट कर दिया, ठीक है। बॉटम वाला अभी जो दूसरा बटन आएगा उसके साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट होना चाहिए ट्रू,
ठीक है, और फिर दूसरा बटन ले आते हैं, दूसरा बटन भी बिल्कुल इधर लाना है हमने, ठीक है। इसके भी कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं, लेफ्ट राइट वाले तो सेट करें ना। ओहो, ये विड्थ तो बढ़ रही है, नहीं विड्थ नहीं बढ़ानी हमने, हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रेंट सेट करने हैं। ये राइट वाला हो गया, ये हो गया लेफ्ट वाला, और ऊपर वाला जो है वो इसके साथ, ठीक है। अब ये इनको हम ले आएंगे नीचे ड्रैग करके, जहां पे भी आपने लाना है। सही है, ट्रू फॉल्स की ये दो ऑप्शंस बन गई, सही है। थोड़ा सा अगर फर्दर पार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया इसको ड्रैग करके। जब कंस्ट्रेंट आपके सेट हो जाते हैं ना, उसके बाद आप ड्रैग करके इसको जहां पे भी रखेंगे ना, वहां पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर वो मसला नहीं करेगा ज्यादा। अच्छा, इसका हमने टेक्स्ट नहीं चेंज किया, इसका टेक्स्ट हमने क्या रखना है, इसका टेक्स्ट हमने रखना है फॉल्स, सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज रह गई है, और वो क्या रह गया, वो रह गया है इसका स्कोर, ठीक है। स्कोर के लिए एक अलहदा से जो है वो आप कह लें कि यहाँ पे हम एक जो है वो रखेंगे टेक्स व्यू, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्कोर आ रहा होगा। स्कोर क्या आएगा, स्कोर, ठीक है, ये हो गया। और आगे जो है हमारा स्कोर होगा, जिस तरह क्या होगा स्कोर हमारा, हमारा स्कोर अभी तो है जो 0/ लेट से 5 क्वेश्चन हैं अगर हमारे, तो ये 5, ठीक है, इस तरह से शो होगा। अभी ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि इसका टेक्स कलर जो है वो चेंज करना, और टेक्स साइज भी चेंज करना है, छोटा भी बहुत है। तो ये रहा जी टेक्स साइज हमारा, टेक्स साइज इसका भी हम कर देते हैं 30, और जो टेक्स कलर है इसका, इसका हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है ना। आप अपने मुताबिक जो आप चाहेंगे आप वो कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके भी कंस्ट्रेंट सेट कर दें, ये राइट, ये लेफ्ट, ये टॉप, ये बॉटम, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जी लेआउट जो है एक सिंपल सा बना दिया हमने जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप इसको और बेहतर, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप इसको मजीद बेहतर कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। हम चलते हैं जी अब ना मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी जाने से पहले क्या देखना है, इनकी आईडीज। इसकी आईडी है जी टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी है जी बटन, इसकी आईडी है बटन 2, और इसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू 2, यानी कि ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू 2, ये बटन और ये बटन 2, सिंपल सिंपल सी आईडीज हैं। मेन एक्टिविटी में आगे जी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट व्यू के 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, ये आ गया टेक्स्ट व्यू, ठीक है जी। टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2, फिर उसके बाद जी बटन के 2 ऑब्जेक्ट, बटन। अच्छा, ये अब देखें, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये बटन पे क्यों ये दे रहा है, क्योंकि इसके पास इसकी ना फाइल जो है, लाइब्रेरी जो है, इंपोर्ट नहीं हुई। तो आप जब भी इस पे क्लिक करोगे ना, ये देखें, वो आपको कहेगा क्या, कहेगा ऑल्ट प्लस एंटर दबाओ। ऑल्ट प्लस एंटर दबाने से ना ये खुद ब खुद क्या कर देगा, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देगा। ये देखें, ऑल्ट प्लस एंटर, ये मैंने क्लिक किया और इस पे किया मैंने ऑल्ट प्लस एंटर, ये देखें खुद ही हो गया, इसकी लाइब्रेरी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही वो कर देगा, ठीक है जी। बटन जिस पे भी इस तरह की आए ना रेड लाइन, और ऊपर लिखा हुआ आप क्लिक करें तो ऊपर लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस एंटर, तो आपने जस्ट ऑल्ट प्लस एंटर करना है, खुद ही लाइब्रेरी ऐड हो जाती है। बटन 1 और बटन 2, ठीक है, 2 बटन ऐड हो गए हमारे। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे इनको उनकी आईडीज असाइन। टेक्स्ट व्यू 1 को हम आईडी असाइन करेंगे कौन सी वाली, ये तो टेक्स्ट व्यू है, ये बता दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, यही थी जी, यही थी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी हमने, उसके बाद हमने करना है टेक्स्ट व्यू 2 को हमने करना है, और उसके साथ
इक्वल्स टू, सॉरी, ओहो, ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट व्यू, एक मिनट, अच्छा तो फिर उसके बाद क्या आता है जी, फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर आर डॉट आईडी डॉट, इसकी क्या है जी, टेक्स्ट व्यू टू, सही हो गया। तो इसको मैं जरा, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है जी, बटन्स की आईडी। तो बटन वन इज इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, कौन सी थी जी, बटन, खाली बटन थी। और फिर बटन टू की क्या थी जी, बटन टू की जो थी वो थी बटन टू, ऐसी थी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन टू, सही हो गया। ये हमने दे दी जी चारों को आईडी से साइन कर दी। अब हम देखेंगे हमारी फंक्शनैलिटी क्या है। तो एक बार फंक्शनैलिटी रिकॉल करते हैं। फंक्शनैलिटी हमारी ये है कि हम कहते हैं कि हमारा हर बार जो है एक क्वेश्चन जो है वो अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट में क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे ट्रू फॉल्स, हमने क्वेश्चन पढ़ के उन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना। जैसे ही उन दोनों में से किसी एक पे क्लिक होगा, वो क्या करेगा, वो जाके देखेगा कि जिस क्वेश्चन का इसने आंसर दिया उसका आंसर क्या है, और जिस क्वेश्चन का आंसर दिया उसका आंसर क्या, और चेक करेगा सही है कि नहीं। अगर सही हुआ तो स्कोर में अपडेट कर देगा, अगर ना सही हुआ तो स्कोर में अपडेट नहीं करेगा। सही है, ऐसे ही है ना। तो जाहिर ही बात है यार, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो उसके आंसर्स हैं वो भी तो इसको बताने हैं ऐप को, खुद ब खुद तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम पहले इनको सेव करेंगे, क्वेश्चंस को और आंसर्स को। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट बनाओगे, किस चीज़ की, क्वेश्चन की आप लिस्ट बनाओगे, ठीक है, जिसमें आपने क्वेश्चंस अपने सेव करने हैं। और वो सारी बात है, स्ट्रिंग्स होंगी, क्वेश्चन जो होंगे आपके वो स्ट्रिंग्स होंगे ना। तो इसका क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू न्यू, किस टाइप की लिस्ट होगी, अरे लिस्ट टाइप की होगी, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप आ गई, डेटा टाइप इसकी, और ये बन गई हमारी लिस्ट, ठीक है। और एक लिस्ट जो होगी वो किस चीज की होगी, वो होगी आंसर्स की, उसमें भी जारी बात है स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं आंसर्स इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, और ये भी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। ये दो बन गई जी लिस्ट हमारी। अब इनमें क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो भी ऐड कर दें, ठीक है ना, तो वो भी ऐड कर देते हैं जी। तो किस तरह से ऐड होते हैं, कि जैसे ही ये क्रिएट हो ऐप हमारी, इसको हम दे दें, जैसे अब ऐड कैसे होते हैं जी, पहले क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं जी। क्वेश्चंस लिस्ट का नाम क्या है, क्वेश्चंस डॉट ऐड, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख देना है इन्वर्टेड कोमाज में। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, शाहिद अफरीदी इज क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चंस डॉट ऐड, सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, क्या देना है हमने, हम दे देते हैं जी विराट कोहली इज फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चंस डॉट ऐड, हम कह देते हैं जी बाबर आजम इज बॉलर इन क्रिकेट, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वो भी लगा देते हैं, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी क्वेश्चन लिखें आप, ठीक है। फिर क्वेश्चंस डॉट ऐड क्या लिखें जी, इस पे हम लिख देते हैं जी वहाब रियाज इज स्पिनर,
स्पिनर और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जी हम लिख देते हैं जी, रोहित, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं हमने लगाए, हाँ रोहित शर्मा इज ओपनिंग बैट्समैन। ये हो गए जी हमारे पांच के पांच क्वेश्चंस रेडी। अब इनके आंसर्स बता देते हैं जी। आंसर्स में क्या है जी, आंसर्स डॉट एड, शाहिद अफरीदी इज क्रिकेट प्लेयर, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये है जी, क्या है जी, ट्रू। और फिर आंसर्स में डॉट एड, विराट कोहली इज अ फुटबॉल प्लेयर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ठीक हो गया। उसके बाद आंसर्स डॉट एड, बाबर आजम इज बॉलर इन क्रिकेट, फॉल्स। आंसर्स डॉट एड, वहाब रियाज इज स्पिनर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। आंसर्स डॉट एड, रोहित शर्मा इज ओपनिंग बैट्समैन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ये जी हमारे क्वेश्चंस भी रेडी हो गए और आंसर्स भी उनके रेडी हो गए। अब आपने देख लिया कि जी पहला जो क्वेश्चन हमने ऐड किया था उसी का आंसर भी सबसे पहले ऐड किया, ताकि इंडेक्स जो है वो सेम रहे, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, इस तरह से। अच्छा जी, अब क्या करना हमने, अब हमने ये करना है, हमने कहा है कि जैसे ही हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो एक क्वेश्चन जो है वो सामने हमारे नजर आ रहा होगा, ऐसे ही कहा है ना। तो हमने क्या, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने जो टेक्स्ट व्यू वन है जिसमें हमारा क्वेश्चन नजर आना है, उसमें हम पहला क्वेश्चन जो है वो शो करवा देते हैं, फिर ऐसे ही है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट जो है, और दो ऑप्शन हैं ये देखें, काफी ज्यादा ऑप्शन है सेट टेक्स्ट वाली, तो आपने ये वाली सेलेक्ट करनी है, सेट टेक्स्ट चार सीक्वेंस टेक्स्ट जिसमें आप टेक्स्ट लिखोगे। सेट टेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या चीज लिखवानी है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चंस की लिस्ट में गेट, कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स, पहला इंडेक्स पे जो क्वेश्चन पड़ा है, जीरो इंडेक्स पे कौन सा क्वेश्चन पड़ा है, ये वाला शाहिद अफरीदी के कर। तो जैसे ही ऐप स्टार्ट होगी आपका ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू वन में शो हो जाएगा। टेक्स्ट व्यू टू में क्या शो करवाना है, टेक्स्ट व्यू टू में हमने शो करवाना है जो स्टार्ट में है वो क्या शो करवाना था, वो शो करवाना था हमने स्कोर 0/5। यहां पे मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम एक इंटीजर रखें, क्योंकि इसने बार बार चेंज होना है, ऐसे ही है। ये भी हम कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हर बार क्वेश्चन का आंसर देने पे जो है इसको चेंज करते रहें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटर नहीं है कि इंटीजर रख लें, जो उस इंटीजर की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाया करेगी। चलें ये देखते हैं, अभी अभी तो इसको जीरो रखते हैं, इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं बाद में, आप भी इस बारे में सोचते रहिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी बटन प्रेस होने पे क्या हो, बटन वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये लग गया जी ट्रू बटन के लिए, क्लिक लिसनर लग गया, और ये लग गया जी हमारा फोर्स बटन के लिए, क्लिक लिसनर लग गया। ठीक है जी, दोनों काम हमारे हो गए। अब हम कहते हैं कि जी अगर वो ट्रू प्रेस करता है तो क्या करना है, हमने हमने जो है चेक करना है। ठीक है, हमने चेक करना है किसको, आंसर को। ठीक है, चेक आंसर का एक फंक्शन हम बनाएंगे, उसमें हम जो है वो आंसर्स को चेक करेंगे कि आंसर ठीक है कि नहीं, और अगर फॉल्स प्रेस होता है तो तब भी जो है हम क्या करें, आंसर का एक फंक्शन, चेक आंसर का एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इतना आपको मेरा ख्याल
समझ आ गया होगा। अब इन पे रेड रेड क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये फंक्शन अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।